और इतना ऐसा क्या खरीदने जा रही है जी कि इतना बड़ा पर्स लेके? तो आप बिल्कुल सीढ़ी पे चढ़ने का खतरा जो है थोड़ी देर में ना जी जाम कर दिया के घस के आइए निकल गया था उधर। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, आप सब कैसे हैं? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो मैं सुनील कुमार चौहान, मैं नगांती चौहान, स्वागत करते हैं अपने चैनल सुनील नगांती लाइव ब्लॉग में। वीडियो एंड तक देखिए और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ब्लॉग दोपहर से शुरू कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हो सब इस वीडियो में दिखेगा, बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल से, जो भी हमारे नए सब्सक्राइब भी जुड़ते हैं, हमारा ब्लॉग देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल घंटी भी प्रेस कर लीजिए कि कोई भी वीडियो डाले, ब्लॉग डाले, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ब्लॉग शुरू करें। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर जो सुई लगाए थे ना, अब नहीं टूटेगा, तो छोटा छोटा कील था, निकल जा रहा था ना। तो अभी यहाँ पर सब जोड़ के बना देते हैं। और नगांती जी कह रहे थे ना कि जो कल बर्थडे है, कल ही है ना, हाँ, तो इसी में केक कटिंग होगा। हाँ, तो खूब बढ़िया सजाएंगे इसको। तो चलिए अभी ये हो पहले, अब ये इधर से ना ये बड़ा वाला पिन कर दिया, अभी टूटने का कोई मसला नहीं। हाँ, नाप नाप के इसमें बनाना है इस तरीके से, ये अपनी जगह से हिले भी नहीं और काम भी नहीं। ऊपर सब्जी तोड़ने वाला। हाँ हाँ, ठीक है ना जी। हाँ, बाकी कमजोर बना जी, देखिए जिसे कौन सी ये वाला। हाँ हाँ, वही इसको हम लोग बहुत बहुत तरीके से बना रहे हैं कि ये हमारा चांद भी हो जाए, इसमें कोई घुसे नहीं। और चढ़ने का जो सीढ़ी है सब्जी तोड़ने वाला वो भी हो जाए। चलिए अभी नाप उप लेते हैं। बांसुरी उधर है, ये उसमें कील मार दिए हैं, खूब लगा रहे हैं। और जो इसमें से कहीं कील अल निकले ना, और उसके से पहले एक बांस जो है छोटा सा, इसको ही फाड़ के इसमें और इस पर दोनों से कील मार देंगे उसमें, और इसमें तो बरियार भी हो जाएगा, इतने की डर भी नहीं रहेगा। मैं चल रही हूँ, बीजे कह रहा है चलो मार के। हाँ मम्मी, मेरे लिए कुछ किन दो किन दो। बीजे को 500 रुपये दिए, उसमें केक लाना है, इनके कपड़ा खरीदना है। कपड़ा मत खरीदे, कपड़ा खाओ 500 रुपये कपड़ा खरीदेगा, क्योंकि दीपावली तक बिल्कुल आपका भी अकाउंट हमारा भी अकाउंट जीरो। हाँ, हवा पानी पी के कोई रहेगा नहीं, आपको पता है। हाँ, फिर बाद में यहाँ देख रहे हैं कि काम कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। और हम लोग का किस्मत का जो कनेक्शन है बहुत अजीब तरीके से लिखा हुआ है, थोड़ी थोड़ी खुशियाँ लेकर हम लोग कहाँ कहाँ उलझ जाते हैं ना। नहीं तो पैसा इकट्ठा हुआ था बीच में, काम कहीं ना कहीं जाकर मैं ढूंढ के कर लेता, जो काम मैं यहाँ कर रहा हूँ कहीं भी कर लूँगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके से हम लोग रहे ना कि कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो धीरे धीरे हम लोग का जीवन में बहुत दुख आने शुरू हो जाएगा। बाकी कुछ ना कुछ करते रहने का सोचना। ये देखिए जी, ठीक बात, खुली के ना, ठीक है ना। तो सॉरी, हम कर दी तो कर दी, कैसे हो खुली ना, खोल के देख ले, खोलो बेटा, खोल दो सुन, खोलो उसको, क्योंकि इधर लाना है। ठीक है ना, फर्स्ट क्लास खुलेगा, कोई यहाँ इतना पे भी रहेगा, ठीक है। खोलो पूरा, खोलो, अरे वो तो अलग है इससे। हाँ सही है, सही, बंद कर, बंद करो, बंद करो, और रात भर में इसको सजा देना है, ठीक है, कैसे भी करके बंद कर दूंगा, आप ईटा लगा दो, जाम हो जाएगा। अब ये पास फटना नहीं चाहिए ना, गंदी आराम। तो अब बिल्कुल सीढ़ी पे चढ़ने का खतरा जो है खत्म हो गया। कैसा लग रहा है, हिल भी नहीं रहा है,
क्योंकि पहले पकड़ते थे इसको एक आदमी तब चढ़ते थे, अब एकदम मजबूती के साथ हो गया इस पाया के साथ, और इसमें भी जाम कर दिए देख सकते हैं। हाँ, अब कोई चीज़ दिक्कत नहीं। अब इधर से मान लेते हैं, वहाँ तो कुछ लगाएंगे ही क्योंकि अगर आदमी घुसना चाहे तो इधर से घुस सकते हैं, वो अलग की बात है। लेकिन हमारा सब्जी तोड़ने के लिए जो सीढ़ी बना एकदम मजबूती के साथ, ये बेशक दिख रहा है दोस्तों पतला पतला, लेकिन ये देखिए यहाँ ये सपोर्ट है, ये वाला मजबूत है और बाकी इस पाया में सपोर्ट है ये ना जी। हाँ तो चलिए अभी ये वाला काम हो गया, अभी नेक्स्ट काम क्या करते हैं, बने रही हमारा वीडियो ब्लॉग के साथ, देखते हैं। तो अभी हम ना छत पर चढ़ चुके हैं। हाँ, यहाँ पर जो एक लौकी है उसको तोड़ना है, छोटे हैं ज़्यादा बड़ा तो नहीं हुआ, अभी बत्ती वत्ती नहीं पकड़ा है, देख सकते हैं कैसे हुआ। तो एक है तो उसको तो काट देते हैं क्योंकि शाम को हम लोग बनाएंगे जाबर। आपको रेसिपी में ज़रूर दूँगी ये जाबर कैसे बनाती हूँ मैं। अब लग रहा है लौकी, देखिए जड़ कितना मोटा, एक तो थाला काट उसका जड़ काट दिया था तो सूख गया था पूरा। अभी फिर से पचकी फेंक रहा है, देखिए कब तक ले, फिर बत्ती होती पकड़ेगा। उससे पहले मैं चलती हूँ उस साइड में, कहाँ इतनी बत्ती इधर नहीं पकड़ा हुआ। नीचे हमारा मिर्ची की पौधा है, इधर लगाएं गोभी और सब्जी लगाएं, देख सकते हैं कैसे सूख सूख जैसे लग रहा सूख गए हैं। आप लोग कमेंट किए जो सूर्य भगवान डूबने के बाद भी लगाया जाता है जो, तो दोस्तों मुझे पता नहीं था इसके वजह से हम लगा दी हैं। चलिए इसके बाद दोबारा लाएंगे तो रात को लगाएंगे। बॉडी है तो बॉडी भी कितना अच्छा अच्छा फर रहा है। चलिए बीजे को उसमें घर में ठोक ठाक कर ही जाए। कदम फिर से फरना शुरू हो गए हैं, एक एक करके, एक इधर हल्का का पक्का हुआ, ऊपर तो पक्का हुआ है। बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं, अभी हम चलते हैं वहाँ पर गेहूँ पसा रही हूँ उसको फटकने के लिए, पिसवाने के लिए भेजेंगे आटा। आइए हंसी मजाक करने का टाइम नहीं, बहुत काम है, 4:30 हो गया, नहीं तो सुबह कितना काम करेंगे। अभी घर आंगन सब लिपना है, साफ सफाई करना। अगर आप देखिए दोस्तों एकदम घना इसको बना दिए, बिल्कुल कोई चीज़ की दिक्कत नहीं ना जी। हाँ तो फिलहाल के लिए अभी एकदम मस्त बन गया देख सकते हैं आप। चलिए अभी बाकी नेक्स्ट काम क्या करते हैं, बने रही हमारे वीडियो ब्लॉग के। देख सकते हैं इसके नीचे भी जाम कर दिया कि घस के नहीं। अब बाकी ये देखिए इस दोनों में पाइप मस्त हो गया। आप चलिए अभी नेक्स्ट काम का करेंगे। इधर देख सकते हैं हमारे नगांती जी गेहूं फटक रही है क्योंकि आटा ख़त्म हो चुका है, तो चलिए इसको पिसवाने ले जाएंगे अभी थोड़ी देर में ना जी। इधर बच्चे खेल रहे हैं तो देख सकते हैं ये थोड़ा इधर निकल गया था, उधर दीवार में टच हो गया, तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। और ये जो हिस्सा दिख रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे दो राजा जोड़ाई कर देंगे तो उधर से अगर बारिश आता है तो इसमें पानी आएगा नहीं, तो देखते हैं इसको किस तरीके से करते हैं। फिलहाल नागांती जी कह रहे कि पूरा ऊपर तक जोड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, इधर से तो अपना जाम हो गया, अभी इधर से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें कलर करने की कह रही थी, तो चलिए अभी देखते हैं कौन सी कलर करते हैं। फिलहाल इसको ढकने के लिए ये कुछ अलग सी दिख रहा है, और कल जो बर्थडे मनने वाला है इसी में सब सजावट होनी है। ये दरवाज़ा तो ऐसे खुला रहेगा तो ऐसे देख सकते हैं, इधर से भी दिखेगा। बाकी मौसम का देख सकते हैं, अभी 5 बज रहा है लेकिन फिर भी कुछ अलग तरीके का धूप है, हवाएँ हल्की हल्की चल रही हैं। तो चलिए अभी हम लोग का काम सुबह सुबह का जो टाइम था उस टाइम पे एक ब्लॉग बनाए थे जिसमें आप लोग बहुत सारा कमेंट किए, तो अच्छी बात है जो भी आप लोग कमेंट करते हैं उसको हम लोग सुनते हैं और उससे सीख मिलती है।
करते करते नकांति जी गेहूँ कटक कर रख दे, चलिए इसको पिसवा के लाएंगे। अब बाकी मैंने धूप में बैठ के फटकना था, थोड़ा छाया में नहीं फटक सकती थी, अब पूरा पसीना पसीना हुआ हो गया। पता नहीं इतना छोटा छोटा चूहा होगा, छोटे चूहा का बच्चा। इधर देखिए पूरा नंगाई सीने देखिए, यहाँ पर अपना जो टेंकल पेटी है ना आटा पिसवाने वाला, दो तीन कटा साफ करके टेंकल पेटी में रख दीजिए, उसमें चूहा नहीं घुसेगा। तो फिर आपका कपड़ा सारा खराब कर देगा। थोड़ा हिसाब से बिस्तर निकाले थे धूप में सूखने के लिए, चलिए बिस्तर लगाएंगे, पहले घर आंगन साफ सफाई कर लेते हैं। हम मैं चल रहा हूँ गेहूँ पिसवाने, घर आंगन साफ सफाई कर लेंगे। और इतना ऐसा क्या खरीदने जा रही है जी, इतना बड़ा पर्स लेके जा रही है? दो चार पैसा है देसी में, मोबाइल भी रखेंगे देसी में। अब हाँ भी मोबाइल लेके जाती हूँ तो एक रुमाल भी था, एक छोटा पर्स था। तो ये इतना बड़ा बैग ना, ये कभी कहीं जाइएगा तो खरीदी रखिएगा। एक छोटा सा मोबाइल रखने वाला और एक छोटा सा पर्स रखने वाला, वो खरीद लेते हैं ना। इनका बड़ा लड़का हो गया हाथ बटाने वाला, जा रहा साथ में, कि जो भी सामान खरीदेंगे उधर से लेके आएगा ना जी। हाँ जल्दी आइएगा। हाँ बाकी तो सब्जी अपने पास है ही है, जो नहीं हो रहा है अभी सब्जी वो वाला ले लीजिएगा, जो मिक्स करके बनाने के लिए ना। आलू लेके आएंगे, मसाला लेके आएंगे, दाल लेके आएंगे। अच्छा ठीक है। तो कौन सी कलर करना है नगंत जी? व्हाइट वाला। व्हाइट वाला कौन सी, उधर जाइए व्हाइट वाला जो रखे ना पैकेट में। और ये जो दोस्तों दिख रहा है, आप लोग बोल रहे थे कि इसको भी पैक कर दीजिए, तो इस पे जाली लगा देंगे, चाहे ईंट नहीं रखेंगे ऐसे साथ देंगे भले, एक एक करके दो ऐसे चार इंच के ज्यादा पे ईंट लगाइएगा तो ये गिर जाएगा इधर ही, कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो बताइएगा, ये चार ज्यादा है, यहाँ से ढलान से ऐसे बनाना है, क्योंकि ये जो चादर है ना दीवार के उस पार, तीन रहता का उधर से ढलान से बनेगा तो इस तरीके हो जाएगा। चलिए उसका भी कुछ व्यवस्था करेंगे। और यहाँ पर नकांति जी करें कि एक पर्दा लगा के फिर इसमें कलर कर दीजिए, क्योंकि इधर से ये तो पैक हो ही गया ना। आ इधर अभी तैयार होकर जा रही है, पानी मार देंगे, पानी बहुत मार है, बारिश उस दिन से तो हो ही रहा था एकदम से। देख रहे हैं हाँ, अब उसके बाद पर्दा लगा देंगे जब जरूरत पड़ेगा निकलेगा। ये क्या है जी? चीटी है सर, तो अपना जाके बना लेगी, लाइन बाई लाइन चलती। तो चलिए अभी नगंती जी जा रही हैं कल के लिए जो सब्जी, हाँ कुछ खरीदने के लिए, तो आज खरीद लाते हैं क्योंकि सुबह सुबह उठ के ना ढेर सारा घर पर काम करना है, साफ सफाई। देखते हैं कौन कौन सी मेहमान आ रहे। एक सिस्टर कह रही थी तो उनको मैं तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया हूँ, आप उस चीज़ से फॉलो करिए, क्योंकि हम लोग कमेंट में अपना कोई भी चीज़ नहीं दे सकते। और हमें अभी जाके वो सब ज्ञान आया है, क्योंकि आदमी ठोकर खाता है तभी ज्ञान आता है ना जी। आ उसी तरीके से हम लोग कभी किसी से अपना काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं अपना, जिसको जो देखना, क्योंकि कितने आदमी फोन करके नहीं मन को भटका देते इधर उधर, उससे ना हमारा तीन तीन ब्लॉग दोस्तों डालता था, उसमें हम लोग कितना पहले आशीर्वाद प्यार दुलार मिला था, उसी से हम लोग एकदम खुश है। कुछ दिनों से ना हम लोग कुछ अपना दिमाग अपना खुद ही डिस्टर्ब कर ले, एक नहीं होता है अपने हाथों से ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि आदमी को जितना है उसी में खुश रहना चाहिए, और बाकी धीरे धीरे जो भी होता है उतने में आदमी अच्छा रहता है। तो इस तरीके का स्थिति हो गया। आखिर हम लोग को क्या प्राप्त हुआ? अपने आप को पूरा शरीर बेकार कर लिए कुछ दिन में। हाँ कितना सब सुने, कितना हमारा यूट्यूब फैमिली हमें गलत समझी, वही इतना अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे थे। एक नगांती जी का चैनल था रियल लाइफ ब्लॉग ना जी, उस पर इतना सुंदर सुंदर कमेंट आ रहा था, और कुछ स्थिति हालात ने कितना सब कर दिया। फिर फैमिली लाइफ ब्लॉग खोले, उस पर भी अपना बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, वो अभी सही चल रहा है। एक चीज जो कमेंट आता था कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, इतना से इतना सब किए, कोई मैं वो मशीन नहीं हूँ कि अपना करते ना शरीर है। आप जीवन में बहुत मैंने मेहनत किया है बचपन से बड़ होने के नाते, तो शरीर है अपना हो जाता है ना जी। और खास करके जो दिमागी हालत बार बार बताने से हमारा ही नुकसान नहीं है, कुछ एक अलग सी शर्मिंदगी आता है
हम अपना प्रॉब्लम बार बार बताते हैं तो उससे क्या होता है, उल्टे कमेंट आएगा कि आपका प्रॉब्लम हम देख के थोड़ी ना सॉल्व कर देंगे, आपकी प्रॉब्लम है आप तो खुद ही सॉल्व करेंगे, नहीं तो भगवान सॉल्व करेंगे ना जी। हाँ तो ये सब हमें सब पता है, तो हमें बस अपने कंटेंट पे, अपने ब्लॉग पे, अपने यूट्यूब फैमिली के मनोरंजन के लिए, अच्छे ब्लॉग लगने के लिए कि हम अपना जीवन में जो भी है खुश हैं जैसे भी हैं, उससे हमारा और भी यूट्यूब फैमिली में कितने गरीब हैं हमारे जैसे, लाचार हैं, बेरोजगार हैं, उस तरीके से जीवन जी रहे हैं, तो इसे देख के सीख मिलता है कि हम भी खुश हैं, आप भी खुश रहिए। और बाकी जो भगवान जी की कृपा से जितने अपना सबको प्राप्त है, भगवान जी की कृपा से और उनके मेहनत से प्राप्त है, हम लोग भी ढेर सारा मेहनत करेंगे और उसी से अपना जीवन में खुश रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। एक दो शब्द अच्छा ना लगा हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक हाँ। और सिस्टर आपको अगर वो लिंक नहीं मिला है तो इस मोबाइल से आप जो वीडियो देख रही हैं, इंस्टाग्राम का लिंक टुकटुक 1632 है, TUK 1632, आप उसको सर्च करके नागांती से डायरेक्ट बात करके एड्रेस लेके आप आ सकती हैं इनके, हमारे बच्चों की खुशियों में कल बर्थडे है, बहुत हमें खुशी महसूस होगा, जितना हो सकेगा आपको खातिरदारी करने का मौका मिलेगा, कितना दिन का हमारे पास मेहमान आने की कृपा कर रहे हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही एंड करते हैं।